स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूं फॉर हायर मैथमेटिक्स फॉर बीएससी एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट। स्टूडेंट अगर आप सीएसआर नेट गेट आईआईटी जेएम और आईएएस ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे भी मेरे वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट यहाँ पे जो प्ले लिस्ट है यहाँ पे जाके मेरे वीडियोज को आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पे मैं जो टॉपिक लेके चल रहा हूँ वो है लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। इस सीरीज के अंदर मैंने आपके सामने लिमिट के दो वीडियोज लिए हैं जिसके अंदर फर्स्ट में मैंने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन पे कुछ क्वेश्चंस कराए, उसके बाद सेकंड में कुछ क्वेश्चंस और भी कराए जिसमें लिमिट के ऊपर जहां पे फंक्शन की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होती है उस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, जो पाथ ऑफ इंडिपेंडेंट वाले इंडिपेंडेंट पाथ वाले क्वेश्चंस पे। सो वो आप यहां पे आईटी पे जाके मेरे पुराने वीडियोस आप देख सकते हैं, वो देखेंगे तो ये थोड़ा समझने में आपको सहूलियत रहेगी। और स्टूडेंट देखिए यहां पे कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, स्टूडेंट जैसे हम कंटिन्यूटी फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में पढ़ते हैं जो 12th क्लास के अंदर, वो का वही कांसेप्ट है। क्या होता है 12th क्लास में, क्या कांसेप्ट होता है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और उसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, फंक्शन के बराबर, फंक्शन मतलब वैल्यू पे जो पॉइंट है उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, राइट। तो वही डेफिनेशन यहां पे, बस यहां पे x और y दो वेरिएबल हो जाएंगे, तो क्या होगा, लेट fx y बी द कंटीन्यूअस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल डिफाइंड इन ओपन रीजन d ऑफ r2, लेट p0 x0 y0 बी द पॉइंट ऑन d, देन f इज सेड टू बी कंटीन्यूअस एट दिस पॉइंट f। क्या होता है, ये डिफाइन होना चाहिए, इस पॉइंट पर एक फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए पहली बात तो। दूसरा क्या होना चाहिए, लिमिट एक्स वाई टेंस टू एक्स जीरो वाई जीरो एफ एक्स वाई, मतलब उसकी लिमिट क्या करनी चाहिए, इस पॉइंट पर एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करे और जो भी लिमिट की वैल्यू हो वो इस फंक्शन में जो ये पॉइंट रखें तो उसके फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो जानी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यहां पे क्या होता है, फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। देखो लिमिट और कंटिन्यूटी में एक ही डिफरेंस होता है, लिमिट में तो क्या होता है सीधा लिमिट निकाल के हम चेक कर लेते हैं एग्जिस्ट कर रहा अच्छी बात है, पर कंटिन्यूटी में क्या होता है लिमिट तो एग्जिस्ट करनी ही चाहिए, पर जिस पॉइंट पर हम लिमिट चेक कर रहे हैं उस पॉइंट को अगर हम फंक्शन के बराबर रखें तो वो लिमिट के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फंक्शन क्या होता है हमारा, कंटिन्यूअस होता है। एग्जाम्पल देख के समझाता हूं मैं आपको, देखो क्या बोल रहा है, एग्जामिन वेदर द फंक्शन दिस x square plus 4y at xy is not equal to 1.2 and 0 where xy is equal to 1.2, है ना। तो आपको ये चेक करना है कि इस पॉइंट पर जो 1.2 है इस पर कंटिन्यूटी है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे चेक करेंगे लिमिट xy x कोमा वाई टेंस टू 1.2, यहाँ हम चेक करेंगे x square 4y, तो स्टूडेंट जहाँ पर भी x वहाँ 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर आएगा, जहाँ y वहाँ 2 रखेंगे तो ये आएगा 4.2, स्टूडेंट यहाँ 8, तो 1 + 8 = 9 आएगा। स्टूडेंट हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम चेक करेंगे वापस, हम क्या करेंगे जो फंक्शन की वैल्यू है मतलब जो f 1.2 रख के देखेंगे, जहां पर भी फंक्शन है उसके अंदर 1.2 रख के देखेंगे, पर जब भी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 है तो उस वाले केस में फंक्शन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। तो हम जानते हैं यहां पे लिमिट की वैल्यू जो आ रही है वो 9 आ रही है और फंक्शन पे आप चेक करो तो उसकी वैल्यू 0 आ रही है, दोनों बराबर नहीं है, तो यहां पे इसकी जो लिमिट होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब ये होगा कि लिमिट एक्स वाई टेंस टू 1.2 एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज नॉट इक्वल टू एफ कॉमा टू, सो द फंक्शन एफ एक्स वाई इज नॉट कंटिन्यूअस एट 1.2। तो ये यहां पे कंटिन्यूअस नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू जो लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है। तो कुछ और एग्जांपल लेता हूं फिर आपको आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स वाई गिवन बिलो द पॉइंट 0.0। आपको ये पता करना है कि 0.0 पे इसकी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स कोमा वाई टेंस टू 0.0 इज इक्वल टू मतलब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हम इसको चेक करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे हम, चूंकि 0.0 तो हम अलॉन्ग पाथ लेंगे हम, तो सबसे पहले क्या बात करेंगे, अलॉन्ग क्या लेंगे यहाँ पे, y is equal to mx लेंगे हम, तो जहां पे y is equal to mx लेंगे तो क्या आएगा, देखो लिमिट x tends to 0 जहां पर भी x है y है वहां पे mx रख देंगे तो ये आएगा mx square और यहां रखेंगे हम mx square, this is x square और यहां पे y की जगह रखेंगे तो ये आएगा m square x square, स्टूडेंट यहां पे x square कॉमन ले रहे हैं हम, तो ये आएगा लिमिट x tends to 0,
तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये एक्स स्क्वायर कॉमन निकल के कैंसिल हो रहा, तो वन प्लस एम स्क्वायर, और आप जानते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू, एक्चुअली हर एम के लिए यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज आएगी, जब एम की वैल्यू वन रखेंगे तो इसकी वैल्यू वन अपॉन वन बाई टू आ जाएगी, जब टू लेंगे तो कुछ अलग वैल्यू आएगी, थ्री लेंगे तो कुछ, चलो एक काम करो मैं आपके सामने एक और पाथ ले लेता हूँ अलॉन्ग, और पाथ आपको वो लेना है जो ओरिजिन से जीरो जीरो से क्या हो रहा है पास हो रहा है ना, तो वही ये जीरो जीरो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक और ले लेते हैं मैंने वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जैसे वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेंगे तो लिमिट क्या होगा यहाँ पे एक्स टेंस टू जीरो, और जहां पर भी वाई वहां के रखेंगे एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा आपके पास एक्स क्यूब, और ये आएगा एक्स स्क्वायर, और ये आएगा आपके पास एक्स पावर फोर। स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल के कैंसिल कर लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास वन प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स टेंस टू जीरो रखने पर इसकी वैल्यू किसके बराबर है जीरो आ रही है। स्टूडेंट हमेशा जो लिमिट होनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, यूनिक आनी चाहिए, सो हम देख रहे हैं यहाँ पे लिमिट एक्स कोमा वाई टेंस टू जीरो कोमा जीरो एफ एक्स वाई इज नॉट यूनिक, और जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी सो लिमिट क्या करेंगे यहाँ पे, लिमिट एक्स कोमा लिमिट एक्स कोमा वाई टेंस टू जीरो कोमा जीरो, और यहाँ पे आपको दे रखा है एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो एफ एक्स वाई होगा ये क्या होगा इज नॉट कंटिन्यूस, ठीक, कंटिन्यूस नहीं होगा एट जीरो कोमा जीरो, ठीक है, तो ये जीरो कोमा जीरो पे कंटिन्यूस नहीं होगा। तो एक और एग्जाम्पल लेता हूँ फिर अपन खत्म करते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे दो क्वेश्चन हो, देखिए शो दैट द फंक्शन दिस, आपको दे रखा है नॉट इक्वल टू जीरो, और उस जीरो पे इसकी वैल्यू दे रखी है, आपसे पूछ रहा है कि इट इज नॉट कंटिन्यूस एट जीरो कोमा जीरो। स्टूडेंट वही कंसेप्ट है, सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे अलॉन्ग वाई इज इक्वल टू एम एक्स लेंगे यहाँ पे, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स लेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लेंगे, एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे चूंकि इसकी वैल्यू निकाल ली हम, तो पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं इसको इज्जत से, फिर उसके बाद करते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या निकाल लें, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स कोमा वाई टेंस टू जीरो कोमा जीरो, तो ये आएगा आपके पास एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई सिक्स, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो सबसे पहले लेंगे यहाँ पे अलॉन्ग पाथ y इज इक्वल टू एम एक्स, तो क्या होगा स्टूडेंट y इज इक्वल टू एम एक्स, तो यह आएगा लिमिट x टेंस टू जीरो, जहाँ पे y वहाँ एम एक्स रखेंगे, ये आएगा x, और ये आएगा एम क्यूब एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, और ये आएगा m पावर सिक्स x पावर सिक्स। स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा लिमिट x टेंस टू जीरो, यहाँ पे x x स्क्वायर कॉमन निकल के कैंसिल कर दो, तो ये आएगा एम क्यूब एक्स स्क्वायर वन प्लस एम सिक्स एक्स पावर फोर, x इज इक्वल टू जीरो पे जीरो आएगा, है ना। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि एक ट्रिक लगानी पड़ेगी, सो मैंने इससे पहले जो लिमिट वाला वीडियो है वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन कराया था लिमिट लगेगी। अब यहाँ पे क्या कंसेप्ट, इसको देखो, इसको बराबर कर दो, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई पावर सिक्स लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब आ जाएगा, या हम इसको लिखें तो वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, इसको ऐसा लिख दिया, इसको ऐसा लिख दिया, राइट। तो हम लेंगे अलॉन्ग पाथ वाई इज इक्वल टू एक्स, y क्यूब इज इक्वल टू एक्स लेंगे, राइट। अब वही स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि सर हमें कैसे पता पड़ेगा ये लेना, तो भैया ऐसे पता पड़ेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बराबर कर दो, तो y क्यूब इज इक्वल टू वाई पावर सिक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई पावर सिक्स, तो इसका अंडर लेंगे तो y क्यूब इज इक्वल टू सिक्स, राइट। अब हम क्या करेंगे लिमिट ये वही यहाँ पे x टेंस टू जीरो ले लेंगे, जहाँ पर भी x है वहाँ पे, जहाँ पे भी y क्यूब है वहाँ x रख देंगे, तो ये आएगा x इंटू x, और यहाँ तो ये एक्स स्क्वायर ही आ रहा है, और जहाँ पे वाई क्यूब है वहाँ पे एक्स है, तो स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर, आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो स्टूडेंट यहाँ पे कैंसिल होगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी वन बाई टू, क्योंकि ये टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल वन बाई टू आएगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिमिट एक्स वाई टेंस टू जीरो कोमा जीरो एफ एक्स वाई इज नॉट यूनिक, यहाँ पे इसकी जो लिमिट आ रही है वो यूनिक नहीं आ रही है, सो लिमिट लिमिट एक्स वाई टेंस टू जीरो कोमा जीरो एफ एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट, और जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है सबसे पहले लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, तो यहां तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, सो क्या होगा यहां पे एफ एक्स वाई इज Not continuous
एट 0.0, ठीक है, तो 0.0 पे कंटिन्यूस नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं फिर इसको फिनिश करते हैं। फाइंड द नंबर सी सच दैट, ये फंक्शन कंटिन्यूस है बोल रहा है ओरिजिन पे, तो आपको सी की वैल्यू निकालने की, सी की किस वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूस है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पता करेंगे इसकी लिमिट क्या आ रही है। तो लिमिट एक्स कोमा वाई टेंस टू 0.0 एफ एक्स वाई, चेक करते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। लिमिट एक्स कोमा वाई टेंस टू 0.0, तो ये आएगा आपके पास 3xy अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या लेंगे यहाँ पे, चूंकि ओरिजिन है तो हम लेंगे अलोंग, क्या लेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स, है ना, सबसे पहले हम यही लेंगे, राइट। तो y इज इक्वल टू एम एक्स लेंगे तो क्या आएगा, देखो इसकी वैल्यू यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंस टू 0, राइट। अब x टेंस टू 0 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पर y है वहाँ पे एम एक्स रखेंगे, तो ये आएगा 3x, और ये एम एक्स रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 3 एम एक्स स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन आएगा तो एक्स हो जाएगा, और एक्स एक्स कैंसिल करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एम एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, और जैसे एक्स टेंस टू 0 रखेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि भैया इसको बराबर करके देख लो, तो आप वो ट्रिक यहाँ लगा के देख सकते हो। तो जब एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब मैंने क्या बोला बीच में रखना, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू वाई लोगे, है ना, तो एक्स इज इक्वल टू वाई लोगे मतलब यहाँ पे एम की वैल्यू 1 हो जाए, और एम की वैल्यू 1 भी हो जाएगी तो भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। मतलब इसकी जो लिमिट हो रही है वो क्या कर रही है, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही, कोई सा भी आप पाथ ले लो, है ना भाई, वाई इज इक्वल टू एक्स, इस पर चेक करते हैं ना अपन, वाई इज इक्वल टू एम एक्स लेते हैं और एक बराबर पे चेक करते हैं, है ना, तो दोनों पे इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही, 0 के बराबर आ रही। तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0.0, है ना, एफ एक्स वाई, है ना, ये क्या हो रही, एग्जिस्ट करी, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो रही, 0 के बराबर हो रही। हम जानते हैं इसकी वैल्यू, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस गिवन है आपको, ये क्या आ रहा है फंक्शन गिवन है आपको, गिवन क्या है, एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूस, है ना, अगर ये कंटिन्यूस है तो हम जानते हैं क्या होता है, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0.0 एफ एक्स वाई किसके बराबर होना चाहिए, एफ 0.0 के बराबर होना चाहिए, है ना, लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, और इसकी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए लिमिट के, है ना। तो हमें अभी पता पड़ा कि इसकी जो वैल्यू आई वो किसके बराबर आई, 0 के बराबर आई, और जो फंक्शन पे इसकी वैल्यू 0.0 पे इसकी वैल्यू किसके बराबर है, सी के बराबर है, तो हमारे पास सी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट मुझे लगता है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ, और ऐसे क्वेश्चंस आपके सीएसआर नेट गेट में भी पूछे जाते हैं, इवन आईआईटी जेईई में भी इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, और उससे रिलेटेड और भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपके सामने बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं। और अभी मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, कि कैसे हम वहां पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। सो स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूं, और अगर मेरा कंटेंट आपको बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और बने रहिए मेरे साथ। और ये जो मेरे वीडियोज़ हैं यहाँ पर जाके आप मेरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, और यहाँ जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।